अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आप सब जानते हैं कि हम जमीन पर रहते हैं। हमारी जमीन को सूरज से रोशनी मिलती है। हमारी जमीन एक बड़े गेंद की तरह गोल है, इसीलिए पूरी जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। सूरज की रोशनी जमीन के जिस हिस्से पर पहुंचती है बच्चों, वहां दिन होता है, और सूरज की रोशनी जमीन के जिस हिस्से पर नहीं पहुंचती वहां रात होती है। दिन और रात का ये सिलसिला रोजाना शुरू रहता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बच्चों जिस तरह लट्टू अपने गिर्द गोल घूमता है, उसी तरह जमीन भी अपने गिर्द गोल घूमती है, और इसी वजह से जमीन का वो हिस्सा जो सूरज की रोशनी में होता है आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में जाता है, और अंधेरे वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आता है, जिससे जमीन पर दिन और रात बनते हैं। बच्चों आपको पता है कि सूरज रोजाना सुबह मशरिक से निकलता है और मगरिब की जानिब सरकता है। शाम में सूरज मगरिब में डूब जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। सूरज अपनी ही जगह पर होता है और जमीन अपनी खुद के गिर्द घूमती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। जमीन का खुद अपने ही गिर्द घूमना जमीन की गर्दिश कहलाता है।